मनुवादियों का एक ही संगठन है आरएसएस, उसके वो इसके बावजूद भी वह बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बहुजन समाज के बहुत सारे संगठन होने के बावजूद भी बहुजन समाज पावर में नहीं है, ऐसा क्यों? मैम, अगर आज के समय में देखा जाए तो जो समाज है वो जो मनुवादियों का सरकार है, जैसे कि आरएसएस जो है वो उनके बातों पे चलता हुआ है, और इसके बाद में आज वो इसलिए मजबूत है क्योंकि उनका जो संगठन है वो एक ही संगठन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें को करते हैं। और आज अगर हम बहुजन समाज पार्टी या बहुजन मूवमेंट को लेकर बात करते हैं तो संगठन बहुत सारे होते हुए भी आज बहुजन समाज के लोग पिछड़े इसलिए हैं क्योंकि उनका जो संगठन है वो अभी पिछड़े पड़े हुए हैं और वो संगठित नहीं है। यही कारण है कि आज हमारे देश में तमाम प्रकार, जैसे कि हमारे देश में बहन मायावती जी आज संगठन इस संगठन से लड़ते हुए हमारे समाज के लोग और हमारे युवा साथी जो भी हैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हम आरएसएस और मनुवादियों को, विचारधारा को तोड़ के बहुत आगे जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।